हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, क्लास 12th हिस्ट्री। सो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने कबीरदास जी के बारे में डिस्कस किया था। कबीरदास जी ने कैसे उनका बॉर्न किस फैमिली में हुआ, फिर उनका जो पालन किया गया वो कैसे हुआ, और फिर वो बुनकर कैसे बने या बुनकर फैमिली से कैसे रिलेटेड हुए, ऑल दिंग सिंह पीजा कालसो दादू पंथ इन द राजस्थान आल्सो। नाउ वी हैव मूव ऑन अनादर ग्रेट लीडर आल्सो द गुरु नानक साहिब, ठीक है, द सेक्रेट वर्ड। तो अभी हम यहाँ बेटा गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बाबा गुरु नानक, ठीक है, इनका बॉर्न होता बेटा 1469 एंड देन इनका डेथ होता बेटा 1539। वॉज बॉर्न इन द हिंदू मर्चेंट फैमिली, एक हिंदू व्यापारी परिवार में होता बेटा फैमिली में, इन द विलेज ऑफ ननकाना साहिब जो वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब में है बेटा। ही वॉज इन द अकाउंटेंट एंड द स्टडीज पर्सियन। अब देखो, इन्होंने बेटा अकाउंटेंट का और स्टडी किया था पर्सियन लैंग्वेज में। मैरिड एट द यंग एज, अब यंग एज में इनकी शादी हो गई थी, बट ही स्पेंड द मोस्ट ऑफ इज द टाइम अमंग सूफीज एंड भक्तीज, ठीक है, जो सूफी और भक्ति के साथ इन्होंने अपने समय स्पेंड किया। द मैसेज ऑफ द बाबा गुरु नानक इज स्प्लिट आउट ऑफ हिज हेम्स एंड द टीचिंग। अब जो इनके मैसेज हैं बेटा बाबा गुरु नानक के, वो इनके हेम्स में और इनकी टीचिंग में दिखते हैं। ही एडवोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ द निर्गुणा भक्ति, ही आल्सो द सपोर्ट ऑफ या ही आल्सो द फॉलोअर ऑफ निर्गुणा भक्ति। रिजेक्ट सेक्रीफाइसेस रिचुअल बाथ, अब देखो इन्होंने बेटा जो यज्ञ करते हैं उन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया, रिजेक्ट किया रिचुअल बाथ्स को, इमेज वर्शिप को, है ना, आउटरीज एंड द स्पिरिचुअल्स ऑफ द बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, सब चीज़ों को इन्होंने नेग्लेक्ट किया। फोर्सेज बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट और द रब, ठीक है, बिकॉज इन द पंजाबी कल्चर दिस इज गॉड टू रब, ठीक है, हैड नो जेंडर और द फॉर्म, और उसका कोई जेंडर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है बेटा, ठीक है, वो एब्सोल्यूट है। ही प्रपोज्ड ए सिंपल वे ऑफ कनेक्ट टू द डिवाइन बाय द रिमेंबरिंग एंड द रिपीटिंग द डिवाइन नेम, एक्सप्रेस इज द आइडियाज थ्रू हेम्स कॉल्ड शब्द इन पंजाबी, ठीक है। तो शब्द जो हेम्स भी एक बुक है बेटा, इसके अंदर इनके सारे पंजाबी लैंग्वेज में इनके जितने भी हेम्स हैं उन सबका कलेक्शन है। नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इन टू द कम्युनिटी, ठीक है, अब जब इनके फॉलोअर्स थे बेटा उन्होंने एक कम्युनिटी बनाया एंड सेटअप द रूल्स टू द कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्शिप इन्वॉल्विंग द कलेक्टिविटी रिएक्टेक्शन। ये अपॉइंट वन ऑफ द डिसिप्लाइंस अंगद, अब इनका एक डिसिप्लाइंस एक शिष्य स्टूडेंट का नाम है बेटा अंगद। ही सक्सेस हिम टू द प्रस्पेक्टर एंड दिस द प्रैक्टिस वॉज फॉलोड बाई नियर बाई 200 ईयर्स। And it is to be the noted by the Baba Guru Nanak did not wish to establish the new religion, a new religion. अब देखो गुरु नानक जी ने ये नहीं कहा कभी भी बेटा कि कोई एक नया धर्म बनाया जाए, एक नया रिलीजियस सेटअप किया जाए। द फिफ्थ प्रिस्पेक्टर्स, अब देखो आपका जब आप सिखिज्म पढ़ते हैं बेटा तो उसमें टोटल 10 जो प्रिस्पेक्टर्स हुए बेटा, ठीक है, जैसे गुरु नानक और लास्ट 10 थे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्हीं में से बेटा जो फिफ्थ नंबर के थे गुरु अर्जुन, ठीक है, ही कंपाइल्ड द बाबा गुरु नानक सेम्स अलोंग विद दोज ऑफ हिज फोर सक्सेसर एंड अदर रिलीजियस पोइट लाइक बाबा फरीद, रविदास, रिदास, कबीर इन द आदि ग्रंथ साहिब द सेम्स कॉल्ड गुरबानी। अब देखिए गुरु अर्जुन देव ने क्या किया बेटा कि जो बाबा गुरु नानक जी के हेम्स थे इसके अलावा कुछ और रिलीजियस पॉइंट बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इन सब की अच्छी अच्छी हेम्स को लेके बेटा इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में इनको इन्वॉल्व किया, और उसी गुरु ग्रंथ साहिब को हम कहते हैं बेटा गुरबानी, ठीक है, क्या कहते हैं गुरबानी। इन द लेट 17th century द 10th प्रिस्पेक्टर्स, अब देखो 10वें प्रिस्पेक्टर गुरु गोविंद सिंह जी, इंक्लूडिंग द कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह। अब देखिए फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी, फिफ्थ गुरु अर्जुन देव जी, 10th गुरु गोविंद सिंह जी और 9th गुरु तेग बहादुर सिंह। तो हमें ये चारों के नाम याद रखने बेटा, ठीक है। तो बहादुर एंड हिज सेरेपिक पिक्चर्स वॉज कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ बिकॉज इन्होंने सेटअप किया था। आर्मी ऑफ द प्योर लेड बाय द गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा पंथ किसने स्टार्ट किया गुरु गोविंद सिंह जी ने, इसका मीनिंग होता है आर्मी ऑफ द प्योर, है ना। डिफाइंड इट्स द 5 सिंबल्स, ठीक है। अब इनके 5 बेटा एक सिंबल्स होते हैं, अनकट हेयर, ए डिगर, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ए कॉम एंड ए स्टील बैंगल्स, ये 5 चीज़ें एक सिख अपने पास। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मीराबाई, द डिवोटी ऑफ मीराबाई, ठीक है। सो मीराबाई, अब देखिए इनका टाइम पीरियड है बेटा 15th to 16th century, बेस्ट नोन वुमेन पॉइंट विद इन द भक्ति ट्रेडिशनल की सबसे बेस्ट वुमेन पॉइंट के अंदर इनका बेटा नाम लिया जाता है। शी वॉज ए राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम द मेड़ता इन द मेवाड़ एंड मैरिड द प्रिंसेस ऑफ सिसोदिया क्लेन ऑफ मेवाड़ राजस्थान।
ठीक है। तो ये राजपूत प्रिंसेस थी बेटा, मेड़ता की थी, और इनकी जो शादी होती है बेटा वो सिसोदिया क्लेन में होती है, मेवाड़ में। शी डिफाइंड हर हस्बैंड एंड रिकॉग्नाइज द कृष्णा, ठीक है। अब इनकी जब इनके हस्बैंड का जब डेथ हो जाता है उसके बाद ये बेटा कृष्ण जी की भक्ति में लीन होते हैं बेटा ये, और हैज ए लॉर्ड श्री कृष्णा उनका बेटा ये वर्शिप करते हैं एज ए देयर हस्बैंड फॉर्म। द अवतार ऑफ द विष्णु, ठीक है, इनकारनेशन ऑफ द विष्णु ऑल्सो इज हर लवर, और विष्णु को ही अपना लवर मानते बेटा। हर इन लॉज ट्राइड टू द पॉइजन, अब देखिए इनके जो ससुर होते हैं या इनके जो फैमिलीज मेंबर्स होते हैं बेटा वो इनको जहर तक देते हैं पॉइजन, बट हर शी एस्केप फ्रॉम द प्लेस, और अपने प्लेस को छोड़ कर ये चले जाती हैं वहाँ से और बच जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सम ट्रेडिशनल हिज द प्रस्पेक्टर वास रेदास एंड द टीचर्स थ्रेटर वर्कर्स, ठीक है। तो रेदास को इन्होंने अपना टीचर बनाया था बेटा। मीराबाई हैज़ रिकॉग्नाइज हैज द सोर्स ऑफ द इंस्क्रिप्शन फॉर द सेंचुरीज, हर सॉन्ग कंटिन्यू टू बी संग बाय द वुमेन्स एंड द मैन स्पेशली लो कास्ट इन गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। ये सिंगिंग के फॉर्म में बेटा वर्शिप करती थी, और स्पेशली लोअर कास्ट के लोग इनके सॉन्ग को बहुत ज़्यादा परफेक्ट करते हैं, अभी भी गाते हैं, स्पेशली गुजरात और राजस्थान में इनके बहुत सारे सॉन्ग गाए जाते हैं बेटा। सो इन दिस टाइप वी हैव कम्प्लीट अवर चैप्टर। सो फाइनली क्विक रिकैप इन दिस चैप्टर कि हमने बेटा देखिए स्टार्ट किया भक्ति मूवमेंट, एंड 8th to 18th century के टाइम लाइन को लेकर हमने हमारे चैप्टर्स को स्टार्ट किया। हमें यहाँ पर की पॉइंट ये ध्यान रखना बेटा कि जो भक्ति मूवमेंट है और जो सूफी मूवमेंट है इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो हिंदू कल्चर से बिलोंग करेगा, जिसके अंदर आपके अलवा नैनिया वैष्णिज्म सिविज्म आ रहा है बेटा, सगुणा निर्गुणा आ रहा है, विद एट्रीब्यूट विदाउट एट्रीब्यूट, वी हैव पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। और जहाँ पे हम सूफिज्म की बात करते हैं देयर इज़ द खानगा सिलसिलास, तो वहाँ का कल्चर वहाँ का जो टर्मोलॉजी है देयर विल बी द यूज़। सो आई होप यू क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो बेटा, थैंक यू।